आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं महजबीन शोएब। उच्चतम न्यायालय ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग संबंधी पुनर्विचार याचिकाओं का आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि पुनर्विचार याचिकाओं में कोई गुण दोष नहीं है। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने राफेल सौदे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को भी खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में 14 दिसंबर 2018 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि राफेल खरीद के निर्णय से संबंधित प्रक्रिया में संदेह का कोई सवाल ही नहीं है। राफेल पर अदालत के फैसले के बाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मसले पर जनता से झूठ बोलने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील में ब्रिक्स देशों की शिखर स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। सभी नेता पहले बंद कमरे में बैठक करेंगे, उसके बाद मुख्य बैठक होगी। बाद में सभी नेता ब्रिक्स व्यापार परिषद और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुखों से बातचीत करेंगे। परिषद और बैंक अपनी कल हुई बैठकों में उसमें पारित प्रस्तावों के बारे में नेताओं को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। इसी साल ब्रिक्स इनोवेशन नेटवर्क, ब्रिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क और एक वुमेन बिजनेस अलायंस की शुरुआत भी की जाएगी, जिससे ब्रिक्स समितियों को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर बनने की संभावना है। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 130वीं जयंती आज देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल लालजी टंडन ने बाल दिवस पर बच्चों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि देश का हर बच्चा शिक्षित हो, साथ ही उसका भविष्य उज्ज्वल और समृद्ध हो। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित अन्य नेताओं ने राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहा स्थित नेहरू जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमारे आगर मालवा संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। शिवपुरी में भी स्कूलों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यहां बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं खंडवा जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल रंग मेले आयोजित किए गए हैं। गुना, जबलपुर, शहडोल, छतरपुर, नीमच सहित अन्य जिलों से भी बाल दिवस मनाए जाने की खबरें मिल रही हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 17 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह सत्र 18 नवंबर से शुरू होकर 13 दिसंबर तक चलेगा। आज विश्व मधुमेह दिवस है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ऐसी पहल शुरू की है जिससे मधुमेह के लिए इंसुलिन की कीमतों में कटौती होगी और यह आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। बताया जाता है कि औषधि निर्माताओं ने जो नई इंसुलिन तैयार की है उससे उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा, क्षमता और किफायत सुनिश्चित होगा। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने विश्व में मधुमेह पीड़ितों की संख्या बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। आज मधुमेह रोगियों की संख्या 35 वर्ष पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ गई है। इस अवसर पर प्रदेश में भी मधुमेह की जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पन्ना में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सीख दी गई। प्रदेश में कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति में वित्त, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सहकारिता और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य मनोनीत किया गया है। समिति खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को 1 माह में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन बांग्लादेश की पारी लड़खड़ा गई है। भारतीय गेंदबाजों ने पिच की नमी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के सस्ते में समेट दिया। बांग्लादेश ने 7 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाकर संघर्ष कर रहा है। भारत की ओर से मोहम्मद शामी ने 3 और आर अश्विन ने 2 विकेट लिए। इसके पहले आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में आयोजित हो रहे 32वें जोन स्तरीय पश्चिम भारत विज्ञान मेले में शहडोल के 11 बाल वैज्ञानिक अपने विज्ञान मॉडल का प्रदर्शन करेंगे। ये विज्ञान मेला कल से शुरू हो रहा है। प्रदेश की पहली किन्नर महापौर कमला बुआ का आज सागर में निधन हो गया। वे 2009 में सागर की निर्दलीय महापौर चुनी गई थी। हालांकि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर 2012 में उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया था। सतना में 2 दिवसीय गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल प्रतियोगिता दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में आज से शुरू हो गई है। इंदौर जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर धार जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण करने सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गुना जिले में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरोन में महिला नसबंदी शिविर लगाया गया है और छतरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा और सुचारू निर्माण के लिए धारा 144 लागू की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।